तो देखो अभी आपके टॉपिक क्या रह गए हैं कंपाइलर में वो देखो एमबी एमबी देखेंगे हम देन जो है टॉप डाउन पार्सर देखेंगे बॉटम अप ठीक है और टॉप डाउन पार्सर में जो है आपका हम एल एल वन करेंगे बॉटम अप में एल आर जीरो एस एल आर सी एल आर और एल ए एल आर ठीक है तो ये सब पढ़ेंगे हम बॉटम अप के अंदर और इनको करने से पहले उससे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट एंड फॉलो ठीक है तो ये सब करने वाले हैं फिर जो है आपका रह जाएगा यहाँ पे इंटरमीडिएट ठीक है लेक्सिकल और ये हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद जो है आपका रह जाएगा कोड जनरेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन ठीक है फिर आपका जो कंपाइलर डिज़ाइन है वो खत्म हो जाएगा तो ये टॉपिक्स आपके रहते हैं तो चलिए भाई आज की क्लास में हम एम्बिग्यूटी देखते हैं ठीक है तो टॉपिक डाल लो भाई ये होती क्या है क्या होती है किस तरीके से आती है देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम समझने वाले हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए क्लास के जो है नोट्स बना लेना क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो अपने हाथ से करोगे तो आपको काफी सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी देखो जी आपके पास क्या है? एक एम्बिग्यूस ग्रामर है क्या है एम्बिग्यूएस ग्रामर है तो एम्बीग्यूस ग्रामर क्या होती है इफ If any string, कोई भी string, w जो है वो ग्रामर में बिलोंग कर रही है ठीक है देयर इज मोर देन वन पास ट्री मतलब एक स्ट्रिंग के जो है एक से ज्यादा अगर ट्री बनते हैं एक से ज्यादा पास ट्री बनते हैं तो आप उस ग्रामर को कहते हो एमबीबीएस ग्रामर अगर डेफिनेशन आ जाए एमबीबीएस ग्रामर की अगर किसी स्ट्रिंग के अगर किसी ग्रामर के एक से ज्यादा पार्स ट्री जनरेट हो रहे हैं तो आप कहोगे की एमबीबीएस ग्रामर है ठीक है एग्जाम्पल से समझो अगर आपको समझ में नहीं आया तो सपोज मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक स्ट्रिंग ली W इज इक्वल टू ए आपको यहाँ पर करवाना है ठीक है और आपके पास ग्रामर गिवन है एस इज बिलोंग टू डबल एस और ए है ना तो मुझे यहाँ पर ए बनाना है तो मैं सीधा क्या लूंगी एस लूंगी और ए लूंगी है ना तो क्या आप इसका कोई और पास चीज जनरेट कर सकते हैं क्या आप इसे कोई और पास चीज बना सकते हैं नहीं भाई इसका तो यही बनेगा सिंगल ए आपको स्ट्रिंग जनरेट करवानी है तो आप यही करोगे ना इससे ज्यादा तो इसका नहीं बनेगा ठीक है सेकेंड लो सपोज जो है आपको डब्ल्यू इज इकल टू डबल ए ये जो है आपको जनरेट करवानी है तो इसके लिए आप क्या लोगे एस एस से क्या जाएगा एस और एस और इस और एस एस से क्या जाएगा आपका ए और ए तो मतलब आपकी हो 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 और और कोई कोई सकता सकता है कैसे कोई और हो सकता है नहीं ठीक है तो ये 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 भी भी आपकी क्या है? ये आपकी ग्रामर और ये भी आपकी क्या है ग्रामर है है और ठीक है अगर अब मैं थर्ड की बात करूँ ध्यान से समझना मैंने लिया w इज इक्वल टू ट्रिपल ए मुझे जो है ट्रिपल ए चाहिए तो आप देखो किस इसका किस तरीके से पास्ट्री बनाओगे देखो पास्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं तो आई होप आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो मैंने यहाँ पर एस लिया ठीक है इस आपने, इस से आपने ये बनाया ठीक है ए और यहां से एक तो आपका पास ट्री बन गया ये सेकेंड पास ट्री आपका क्या बनेगा फिर मैंने एस लिया एस एस इससे मैंने ए बनाया इधर से एस और एस और इधर से मैंने ए और ए समझ में आया देखो एक पास ट्री तो ये था एक पास ट्री ये था तो यानी कि यहां पर जो है एक से ज्यादा पास ट्री आपके जनरेट हो रहे हैं, ये क्या है एम्बिग ग्रामर है क्या है ग्रामर है समझ में आया समझ में आया एम्बिग ग्रामर जो है आपकी किस तरीके से होती है ठीक है क्लियर है भाई क्लियर है यहां तक क्लियर है भाई Ambiguity, ambiguity clear है? Clear है? तो पर आप एक पॉइंट पा, है? ओनली वन पास ट्री एग्जिस्ट सिर्फ जो है एक ही पास ट्री जो है वो एग्जिस्ट करेगा फॉर एनी स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग के लिए आपका एक ही पास ट्री बनेगा एक से ज्यादा जैसे ही बने तो आपका क्या बन जाएगा एम्बिगस ग्रामर आ जाएगी ठीक है देखो यहाँ पर आपने देखा अगर आप एक स्ट्रिंग को जनरेट करवा रहे हो तो आपकी ग्रामर क्या है अनएमग आपकी स्ट्रिंग अगर आप दो जनरेट करवा रहे हो तो आपकी ग्रामर क्या है लेकिन जैसे ही आपने थ्री की स्ट्रिंग जनरेट करवानी चाहिए वहीं पर आपकी ग्रामर क्या हो गई एम्बिगस समझ में आया ये पॉइंट ये पॉइंट समझ में आया जस्ट अभी हमने जो पीछे एग्जांपल लिए थे उसमें मैंने आपको क्या बताया so, जब हमने डब्लू इज इक्वल टू ए जनरेट करवाया दैट इज एम्बिग अनएम्बिगुअस ग्रामर मैंने w इज इक्वल टू डबल ए जो है हमने बनाया स्ट्रिंग बनाई तो आपकी ग्रामर क्या थी अनएम्बिगुअस थी जैसे ही मैंने w इज इक्वल टू ट्रिपल ए यानी कि तीन की स्ट्रिंग बनानी चाहिए तो आपकी ग्रामर क्या हो गई एम्बिगुअस तो यहाँ पर आप नोट डाउन नोट डाल के लिखो लिखो बेस पॉइंट को कि अगर स्ट्रिंग की वैल्यू अगर डब्ल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है थ्री तो आप कह सकते हो कि जो है होने के चांसेस वहां पर होंगे, समझ समझ में में आ गया ये पॉइंट, एम्बिग्य थ्री से ज्यादा हो जाती है that पर हो जाएंगे कि आपके जो है वो अक्कर होगी क्लियर है नोट डाउन करके लिखा ये ये पॉइंट लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ठीक है इसके बाद देखो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई हमारी जो ग्रामर है वो एम्बीग्यस है या नहीं पहले आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो देन जो है मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगी किस तरीके से जो है हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमारी जो ग्रामर है वो एम्बिगस है या नहीं ठीक है पहले आप खुद जो है करके देखो जनरेट करो पार्स बनाओ देन आपको अच्छे से समझ में आएगा तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पर चेक वेदर फॉलोइंग ग्रामर इज एम्बिग्यूएस और नॉट ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन है एस इज बिलोंग टू ए एस बी एस ठीक है बी एस ए एस और एक्साल ठीक है तो इन नल कह सकते हो और यहां पर आपको बताना भी है ऑल्सो फाइंड ग्रामर की इसकी जो ग्रामर है वो क्या बनेगी इसकी जो ग्रामर है वो क्या बनेगी ये भी बताना तो इसका सोल्यूशन बताओ क्या होगा इसका सॉल्यूशन बताओ भाई क्या होगा कोई बताएगा करके देखो करके देखो खुद करके देखो वीडियो को यहीं पर पॉज करो खुद खुद ट्राई करो एक बार खुद ट्राई करो किस तरीके से जो है इसके पास जनरेट हो सकते हैं ट्राय करो भाई तो देखो यहां पर आपका तरीका क्या एक तो ये है कि भाई ऐसे हम इसके पास जाएं एक है कि हम ऐसे इसके पास जाएं और एक ये है कि सीधा हम नल के पास चले जाएं ठीक है अब सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर लिया ये वाला तो मैं एस से गई ए एस बी एस ठीक है या तो एक तरीका यह है कि मैंने इसको नल रखा और यहां मैंने इसको नल रखा तो यहां पे आप समझ पा रहे हो कि यहां से जो आपकी स्ट्रिंग है वो क्या जनरेट हुई है ए बी ठीक है मतलब मिनिमम दो यहां पर जनरेट हो रही है या फिर जीरो मतलब सीधा आपने एस को जो है नल रख दिया तो जीरो फिर दो फिर देखो एस को मैंने अगेन जो है ए एस बी एस है ना अब देखो मैंने इस एक्स इस की जगह अगेन जो है ए एस एस रखा ठीक है अब यहां पे मैंने इसको नल रख दिया इसको मैंने नल रख दिया और इसको मैंने नल रख दिया तो यहां पर क्या जनरेट हुई आपकी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी ठीक है अब देखो अब देखो आपने जो है एस लिया ए एस बी एस सपोज अब आपने इस एक्स की जगह क्या रखा ये रखा ठीक है बी एस ए एस है ना तो यहाँ पे आपने क्या रखा नल यहाँ पे आपने क्या रखा नल और यहाँ पे आपने क्या रखा नल ठीक है तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ ए बी ए बी ए बी ए बी तो यहाँ पे यहाँ से आप एक चीज तो समझ पा रहे हो जितने हमने जो अभी पास्ट्री बनाए हैं कि जो आपकी ग्रामर जो जनरेट हो रही है वो इवन नंबर की ग्रामर जनरेट हो रही है ग्रामर जो भी आपकी जनरेट हो रही है वो कैसे हो रही है इवन ईवन जो है आपकी ग्रामर यहाँ पर जनरेट हो रही है और जो है आपका क्या आ रहा है ए बी ए बी पे ए बी का जो पेयर है वो साथ में आ रहा है तो डबल ए बी आ रहा है या फिर ए बी ए बी आ रहा है या फिर ट्रिपल ए मतलब इस तरीके से जो ए बी जो है आपके साथ में आ रहे हैं समझ में आ गया ठीक है तो देखो अब आप अलग अलग तरीके से बनाओ किसी भी तरीके से आप यहाँ पर एस की वैल्यू रख सकते हो ठीक है यहाँ पर रख सकते हो यानी कि आपके जो है एक से ज्यादा यहाँ पर पास जनरेट हो रहे हैं ठीक है तो ये आपकी क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी भाई एम्बिगस है ना तो इसकी जो ग्रामर लिखी जाएगी इसकी जो मैं अगर ग्रामर लिखूं यहाँ पे तो ग्रामर क्या लिखी जाएगी भाई? भाईक्वल टू डब्लू जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है एबी के अंदर एबी का स्टार यानी कि या तो वो नल हो सकता है या A, का भी काम्बिनेशन हो सकता है ठीक है और यहाँ पर नंबर ऑफ जो आपके ए हैं और जो नंबर ऑफ आपके बी है वो आपके क्या है बराबर है मतलब जितने ए ए जनरेट हो रहे हैं उतने ही आपके बी बीबी जनरेट हो रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी आपके बराबर हैं और ए बी का जो है आपका यहाँ पर पेयर बन रहा है क्लियर है भाई क्लियर है वन नंबर की ग्रामर आपके जनरेट हो रही है कोई भी डाउट है यहाँ पर तो आप पूछ सकते हो समझ में आ गया ठीक है तो आप इसको देख सकते हो भाई कहीं पर भी जो है इसकी वैल्यू पुट करो और जो है इसको आप देखो भाई क्या ये एमबीबीएस है या नहीं है क्लियर है भाई क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपने ग्रामर ली यहां पर देखो एक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग टू डबल एस एबी, बी ए, और नल है ना और यहाँ पर आपको जनरेट करवाना है डब्लू इज इक्वल टू ए बी ठीक है तो अब इसके जो है पास्ट्री बना के देखो तो सबसे पहले मैंने क्या किया एस से आपका क्या गया एस 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 से मेरा क्या गया एस एस गया ठीक है अब मैंने जो है क्या किया इसको ए रख दिया इसको बी रख दिया ठीक है अब देखो नेक्स्ट में मैंने क्या किया ये गया आपका सॉरी सॉरी ये ऐसा नहीं आएगा क्योंकि यहां पर ए ए और बी अलग-अलग दे रखे ए भी साथ में यानी कि एक जो एस की वैल्यू है वो ए और बी साथ में है ठीक है और यहां पर आपका क्या हो जाएगा नल हो जाएगा ठीक है

तो मतलब इसी तरीके से जो आप और भी पास जनरेट कर सकते हो मतलब यहां पर कहने की बात यह है कि आप यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पास जनरेट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर जो है काफी सारे आप पास बना सकते हो तो ये भी क्या है आपकी एम्बिग्यूस ग्रामर है क्या है एम्बिग्यूस ग्रामर ठीक है तो यहां पर एक चीज लिखो यहीं पर एक पॉइंट लिखो कि भाई आपका अगर डबल एस है मतलब इस तरीके से अगर आपको गिवन है तो आपको करना क्या है डायरेक्ट तरीका है भैया देखो लिखो एस इज बिलोंग टू डबल एस ए ठीक है और यहां पर अगर टू पाथ है मतलब आपके दो पाथ हैं ठीक है तो आपको करना क्या है नोट डालो इफ सेम नॉन टर्मिनल अपीयर्स मोर देन One time. देखो यहाँ पे जो आपके नॉन टर्मिनल है अगर सेम टाइम पे अगर आपको दिखते हैं देखो यहाँ पर एक ना हो आपके क्या है दो नॉन टर्मिनल सिंबल है, है ना ऐसे जो है आपके दो नॉन टर्मिनल सिंबल हो रहे हैं वन टाइम ऑन राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड पे अगर आपको एक से ज्यादा जो है नॉन टर्मिनल सिंबल दिखते हैं तो आप डायरेक्ट देखते ही बता दोगे कि ये जो ग्रामर है ये आपकी क्या है एम्बिगस ग्रामर है समझ में आ गया समझ में आया भाई अगर आपको इस तरीके से राइट हैंड साइड पे अगर एक से ज्यादा नॉन टर्मिनल दिख जाते हैं तो आप बिना कि बिना टाइम वेस्ट करो आप फटाक से बोल दोगे कि जो आपकी ग्रामर है वो कैसी है एम्बिगुस ग्रामर है आपकी जो ग्रामर है वो कैसी है एम्बिगस ग्रामर है ठीक है क्लियर है भाई क्लियर है तो डायरेक्ट जो है आप ग्रामर को देख के बता पाओगे कि भाई अगर आपके एक से ज्यादा नॉन टर्मिनल गिवन है राइट हैंड साइड पे तो आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आप डायरेक्ट बोल दोगे कि जो आपकी ग्रामर है वो क्या है जो है एम्बिगस ग्रामर है ठीक है राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन देन इट इज एम्बिग्यस क्लियर है भाई ये शॉर्ट मेथड है आपका कि भाई डायरेक्ट एक बार में आपने देखा और बता दिया कि भाई ग्रामर जो आपके एम्बिगस है या नहीं ठीक है इसके आगे देखो आगे देखो और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं यहां से क्वेश्चन आ सकता है थर्ड क्वेश्चन देखो एस आ ए से ए और बी से बी ठीक है फिर जो है आपका ए गया बी बी एस ए डबल ए ठीक है और आपका बी गया ए ए एस बी डबल बी ठीक है तो यहां पर एक तो आपको बताना है कि जो ग्रामर है वो कौन सी जनरेट हो रही है ठीक है और देन आपको बताना है तो देखो हाँ जी तो यहां पर ग्रामर बताओगे कौन सी जनरेट होगी तो देखो यहां पे सपोज आपको W जो है इक्वल टू ए बी जनरेट करना है तो आप क्या करोगे S से जाओगे A और A ठीक है और A से आप किस पे जाओगे B पे तो आपका ए जो है वो जनरेट हो गया ठीक है ऐसे ही अगर आपको अगर आपको डबल ए बी जनरेट करना है तो क्या करोगे एस से जाओगे ए और ए है ना फिर इस ए से क्या जाओगे ए और ए फिर इस ए से कहाँ जाओगे बी पे है ना तो इस तरीके से आप जनरेट करवा सकते हो यानी कि यहां पर जो है आपका ए बी तो जनरेट होगा ही यहां पर जो है आपका ए बी क्या होगा जनरेट होगा समझ में आया समझ तो में आया भाई एक सेकंड भाई एक सेकंड भाई यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी भाई इस ए से हम ए और ए पे कैसे जाएंगे इस इसे से हम ए और ए पे तो जा ही नहीं सकते हमारे पास या तो ऑप्शन है कि हम बी पे जाएं, या फिर हमारे पास ऑप्शन है हम बी और एस पे जाएं, या फिर हम जाएं ए डबल ए पे ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ ए डबल ए पे ठीक है तो यहाँ पे आपका बी यहाँ पे बी यानी कि आपके नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जो है यहाँ पर क्या जनरेट हो रहे हैं इक्वल जनरेट हो रहे हैं यानी कि इवन नंबर जो है यहाँ पर आपका बन रहा है और देखो नल कुछ भी नहीं है मतलब इससे पहले जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी एक ए एस बी एस करके वहां पर जो है आपका ए बी का स्टार आ रहा था लेकिन यहाँ पर जो है कुछ भी नल है ही नहीं नल है ही नहीं मतलब मिनिमम जो है आपका ए बी तो जनरेट होगा ही ठीक है क्लियर है भाई तो देखो तो यहाँ पर जो आपकी स्ट्रिंग बनेगी ए बी प्लस और जो नंबर ऑफ ए होंगे वो नंबर ऑफ बी के जो है वो बराबर होंगे ठीक है तो ये स्ट्रिंग आपके यहाँ पर जनरेट होगी क्लियर है भाई क्लियर है कोई भी डाउट है तो आप यहां पे पूछ सकते हो ठीक है इसके बाद देखो नोट नोट करो भी ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये रेगुलर ग्रामर और सी एफ जी ग्रामर अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट uh, है इसको नोट डाउन करो नोट करो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए इज कॉल्ड रेगुलर तो ये तो आपको पता ही है कि भाई जो डीएफए जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है वो आपकी रेगुलर ग्रामर होती है रेगुलर यहां पे आएगी देन आपकी पीडी आ जाएगी है ना जो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी कहते हैं फिर आपकी एल बी आ जाएगी लास्ट में आपकी ट्यूरिंग मशीन आ जाएगी आपको ये पूरा फॉर्मेट अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि टीओसी भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा आपको रेगुलर और कॉन्टेक्स्ट फ्री यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ठीक है क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या ग्रामर जो है वो जनरेट हुई है इस तरीके से ठीक है कि नंबर ऑफ ए ईवन है नंबर ऑफ बी ईवन है जिस तरीके से अभी मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ तो वैसे जो है आपसे एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो भी लैंग्वेज आपकी डी एफ एसेप्ट करता है उसको आप कौन सी ग्रामर कहते हैं रेगुलर ठीक है regular, और सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये यह है कि ऑल रेगुलर लैंग्वेज आर कॉन्टेक्स्ट फ्री जितनी भी आपकी रेगुलर लैंग्वेज होंगी ऑल रेगुलर लैंग्वेज आर कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट वाइस वर्सा लेकिन जरूरी नहीं है कि जितनी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो वो आपकी रेगुलर हो समझ में आ गया समझ में आ गया देखो इसका क्राइटेरिया यहाँ तक है रेगुलर ग्रामर का क्राइटेरिया यहाँ तक है कि भाई यहाँ तक की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है इससे बाहर की जो प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व नहीं कर सकता और कॉन्टेक्स्ट फ्री का जो जो एरिया है वो यहाँ तक है यानी कि वो यहाँ तक की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा यानी कि जो रेगुलर ग्रामर की जो भी प्रॉब्लम होंगी वो सेफ जो है वो आराम से जो है कॉन्टेक्ट फ्री जो ग्रामर है वो आराम से जो है इसको सॉल्व कर पाएगी है ना और जो है तो इसलिए जो है जितनी भी आपकी सी एफ जी होंगी वो सारी की सारी जो है रेगुलर ग्रामर होंगी लेकिन रेगुलर ग्रामर सारी की सारी सी एफ जी हों ये मतलब ये हम नहीं कह सकते ठीक है कि भाई सारी रेगुलर ग्रामर आपकी कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर होंगी लेकिन ऑल रेगुलर ग्रामर आर सी एफ जी समझ में आ गया मतलब सॉरी मैं देखो जितनी भी आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है ऑल सी एफ जी जितनी भी आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वी कैन नॉट से दैट कि वो जो वो वाली जो लैंग्वेज है वो आपकी रेगुलर ग्रामर होंगी है ना मतलब हम नहीं कह सकते कि भी जितनी भी सी एफ जी है अब देखो सी एफ जी की प्रॉब्लम का क्राइटेरिया तो यहाँ तक है तो भाई क्या रेगुलर ग्रामर इसको सॉल्व कर पाएगा नहीं क्योंकि इसका एरिया तो यहाँ तक है ना यहाँ तक की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है इससे बाहर वाली प्रॉब्लम तो ये सॉल्व ही नहीं कर सकता लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी रेगुलर ग्रामर में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे जितनी भी रेगुलर ग्रामर होंगे सी एफ जी होंगी ठीक है तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको नोट डाउन कर लेना और आपको ये डायग्राम बस अच्छे से समझना है कि भाई ये जो है आपकी ग्रामर होती है ये आपकी लेवल थ्री है फिर आपकी लेवल टू फिर ये फिर ये है ना तो ये आपको अच्छे से याद रखना है ये आपकी रेगुलर ग्रामर है फिर आपकी जो है सी एफ जी है या फिर आप पीडीए भी कह सकते हो फिर जो आपका LBA है आपका एल बी है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटर फिर जो है आपकी ट्यूरिंग मशीन है जिसमें आपके रिकर्सन रिकर्सन आता है ठीक है तो ये जो डायग्राम है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि यहाँ पर टीओ सी का भी जो है ये वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा इतना आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है किस तरीके से स्ट्रिंग बनाते हैं ठीक है थेके? अब देखो जो पावर ऑफ पीडीए है मतलब जो पीडीए की पावर है ऑब्वियसली वो आपकी जो है जो आपकी डीएफए की पावर है उससे ज्यादा होगी डीएफए की पार कम होगी लेकिन पीडीए की पार ज्यादा होगी है ना क्योंकि उसका जो एरिया है प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो ज्यादा एरिया में फैला हुआ है ठीक है तो यहां पे नोट करो यहाँ पे अगेन नोट डालो और लिखो ऑल द प्रॉब्लम ऑल द प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व डीएफए कैन ऑल्सो सॉल्व पीडीए मतलब जो भी प्रॉब्लम आपके डी सॉल्व कर सकता है वो सारी की सारी पी भी सॉल्व कर सकता है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जितनी भी प्रॉब्लम पी सॉल्व कर सकता है वो सारी की सारी डीएफए करेगा क्योंकि डी का क्राइटेरिया स्मॉल है है ना उसका जो साइज है वो कम है ठीक है अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रेगुलर और आपकी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो रेगुलर ग्रामर होती है उनको देखो वैसे तो आप डिटेल में पढ़ चुके हो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो देखो रेगुलर ग्रामर में ये आपका n है और जो इसका राइट हैंड साइड है उसमें एक तो आपका टर्मिनल होगा ठीक है एक आपका टर्मिनल होगा ठीक है और एक आपका होगा नॉन टर्मिनल ठीक है और यहां पर जो है n t2 समझ में आया तो वेयर t बिलोंग टू मतलब यहाँ पे जो आपके क्या है टी और आप जो है किसका किस यूज कर रहे हो टी और एन का टी और एन का ठीक है तो टी यहाँ पर क्या है टी यहां पर आपके क्या है टर्मिनल टी आई इज इक्वल टू टर्मिनल ठीक है और यहां पर जो आपका एन है वो क्या है आपका नॉन टर्मिनल ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे रेगुलर ग्रामर आपकी क्या कहती है रेगुलर ग्रामर कहती है कि सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाई सिंगल नॉन टर्मिनल यानी कि जो आपकी रेगुलर ग्रामर है वो सिंगल टर्मिनल और सिंगल नॉन टर्मिनल को फॉलो करती है अगर कर इससे ज्यादा नॉन टर्मिनल या इससे ज्यादा आपके टर्मिनल आ जाए तो आप उस केस में कहोगे कि वो आपकी रेगुलर ग्रामर नहीं होगी समझ में आ गया समझ में आया भाई तो रेगुलर ग्रामर में आपका एक ही टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए और एक ही आपका नॉन टर्मिनल होना चाहिए अगर इससे ज्यादा हो जाते हैं तो आप नहीं कह सकते कि वो जो ग्रामर है वो आपकी रेगुलर ग्रामर होगी तो आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि जो आपकी ग्रामर सपोज यहाँ पर दिया है इस इज इक्वल टू ए और ए ठीक है और ए इज बिलोंग टू एक्स तो आप इसमें कहोगे ना एक आपका टर्मिनल है एक आपका नॉन टर्मिनल है यानी कि एक टर्मिनल है और एक जो फॉलो करे वो आपका नॉन टर्मिनल दैट्स इट तो ये जो ग्रामर है आपकी क्या होगी रेगुलर ग्रामर होगी क्या होगी रेगुलर ग्रामर होगी क्लियर है इतना हाँ जी, कुछ एग्जांपल देखो भी रेगुलर ग्रामर के ताकि आपको से समझ में आए ताकि आप देखते ही बता सको कि हाँ ये रेगुलर ग्रामर है ठीक है एग्जांपल तो है जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि भाई एक सिंगल टर्मिनल होगा और सिंगल नॉन टर्मिनल होगा ठीक है तो वो आपका क्या होगा रेगुलर ठीक है इसके बाद देखो ए एस बी एस और ए ये भी आपकी क्या होगी रेगुलर ग्रामर फिर देखो ए एस बी ए इज बिलोंग टू बी ए बी और नल बताओ मुझे क्या ये जो फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है क्या ये आपकी जो है रेगुलर ग्रामर की जो हमने देखा था कि भाई ये आपके रेगुलर ग्रामर होंगे टर्मिनल कितने हैं है? दो नॉन टर्मिनल कितना एक नॉन टर्मिनल ठीक है लेकिन टर्मिनल यहाँ पर आके क्या आ गए दो आ गए तो आप इसको कहोगे नॉट रेगुलर ग्रामर ठीक है क्लियर है भाई क्लियर है यहाँ तक ये यह इतना इतना सब है अब देखो यहाँ पर जो भी ग्रामर आपकी अगर रेगुलर है तो वो आपकी क्या होगी रेगुलर लैंग्वेज होगी आप उसको क्या कहोगे रेगुलर लैंग्वेज अगर कोई भी ग्रामर आपकी रेगुलर है तो आप उसको क्या कहोगे रेगुलर लैंग्वेज ठीक है तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर आपकी ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है ये जो स्ट्रक्चर है आपके ग्रामर का अगर वो रेगुलर टाइप का है मतलब अगर वो रेगुलर ये जो स्ट्रक्चर है अगर वो रेगुलर टाइप का है तो वो आपकी रेगुलर लैंग्वेज होगी ही होगी ठीक है लेकिन जो है आपकी जो ये जो स्ट्रक्चर है ये जो आपकी ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है अगर हाँ जी मैंने क्या बोला कि भाई अगर आपकी जो ग्रामर का स्ट्रक्चर अगर वो रेगुलर टाइप का है तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि रेगुलर लैंग्वेज है लेकिन आपके जो ग्रामर का स्ट्रक्चर रेगुलर टाइप का नहीं है तो भी जो समाइम रेगुलर जो हो भी सकती है लैंग्वेज और वो रेगुलर नहीं भी हो सकती दोनों हो सकते हैं वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती तो ये चीज याद रखना ठीक है क्लियर है भाई इतना क्लियर है ये सब क्लियर अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की ठीक है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की वैसे तो मैं हम डिटेल में कर चुके हैं बस यहां पर मैं आपको मेन में बता रही कि किस तरीके से आप देखते ही पता लगा सकते हो ठीक है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसमें क्या हो रहा है कि कितने भी आपके नॉन टर्मिनल हो सकते हैं कितने भी आपके टर्मिनल हो सकते हैं स्टार का पॉइंट समझ रहे हो ना कि भाई एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं तीन में तो कितने भी आपके टर्मिनल और नॉन टर्मिनल हो सकते हैं एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एस इज बिलोंग टू ए एस बी अनल है ना ये आपकी जो है रेगुलर नहीं थी लेकिन आपकी क्या है कॉन्टेक्स्ट फ्री है ठीक है इसके बाद देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो एस एस बिलोंग टू ए बी और ए बिलोंग टू ए बी और बी बिलोंग टू ए ए बी और एप्स ठीक है तो ये जो है ये आपके कुछ एग्जाम्पल है किसके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ठीक है और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई रेगुलर जो है वो आपकी जो है मतलब जो कॉन्टेक्स्ट फ्री है वो आपकी जो है जो आपकी रेगुलर ग्रामर है वो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी होगी तो यहां पर नोट डाल लो वैसे तो हमें पहले भी लिखवाया था रेगुलर एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो रेगुलर जो रेगुलर ग्रामर है वो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी अभी यहां पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है जो आपको नोट डालना है डालो लिखो भाई एवरी रेगुलर ग्रामर इज अनएम्बिग्यूस जो भी आपकी रेगुलर ग्रामर है सारी की सारी क्या है अनएम्बिग्य होंगी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एवरी रेगुलर ग्रामर इज अन

दो बार मतलब जो है राइट हैंड साइड पे अगर द, दो टर्मिनल आ जाते हैं तो आप कह कह दोगे कि जो आपकी ग्रामर है वो क्या है अम, जो है, है यही करते हैं यही कहते हैं ठीक है क्लियर है भाई इतना क्लियर है ओके अब नेक्स्ट देखो अगर मैं कहूं कि भाई मुझे बताओ कि कोई लैंग्वेज है वो रेगुलर है या नहीं कैसे पता लगाओगे या तो आप उसका डीएफए लिखने की कोशिश करोगे की डीएफ ए बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना मतलब क्योंकि रेगुलर ग्राम, ग्रामर में आपका DFA यही आता है तो हम जो है रेगुलर ग्रामर का डीएफए बनाने की कोशिश करते हैं कि डीएफए बन रहा है कि नहीं बन रहा या फिर हम ये राइट करेंगे कि भाई रेगुलर ग्रामर लिखी जा रही है कि नहीं लिखी जा रही है ना तो ये दो तरीके हो गए ऐसे ही अगर मैं सी एफ एल लैंग्वेज बताऊं कि सी एफ एल है या नहीं तो उसके लिए मैं क्या करूंगी या तो मैं राइट करूंगी CFG, CFG मतलब जो ग्रामर है आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या तो आप जो है ये लिखोगे या फिर जो है इसका पीडीए बनाने की कोशिश करोगे ठीक है तो यही दो तरीके हैं तो इस तरीके से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई ग्रामर जो है आपके रेगुलर या सी एफ एल है या नहीं ठीक है क्लियर है भाई देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई जो है हम क्यों हम जो है यहाँ पर पार्सिंग टेक्निक हम यूज करते हैं है ना तो देखो एक अच्छे से समझने की कोशिश करना कि भाई मैंने जो है कोई भी पास जनरेट किया ठीक है वी हैव टू जनरेट स्ट्रिंग डबू मतलब मैं कोई भी स्ट्रिंग यहां पर जनरेट कर रही हूं ठीक है तो मतलब दो तरीके एक तो मैनुअल ठीक है और हम चाहते हैं इस मैनुअल को किसमें चेंज कर दें ऑटोमेटिक में किसमें चेंज कर दें ऑटोमेटिक में तो इस मैनुअल को ऑटोमेटिक में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं किसकी हेल्प से हम ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करवाते हैं मतलब ये जो हम जो तो हम जो है कोई भी जो है ट्री बनाते हैं कोई भी ट्री बनाते हैं वो मैनुअली बनाते हैं देख देख के कि भाई ये ये स्ट्रिंग बन रही है तो हम ऐसे यहां से लेफ्ट में जाएंगे राइट में जाएंगे ये चीजें करते हैं है ना अब मैं चाहती हूँ कि मैनुअली से ऑटोमेटिक हो जाए ऑटोमेटिक हो जाए किसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ पार्सिंग पार्सिंग की हेल्प से जो है हम इसको ऑटोमेटिक बनाते हैं वो हम करेंगे अभी बस अभी हम थोड़ा सा एमबीबीएस से बाहर निकले तो फिर जो है हम ये वाला कंसेप्ट भी पढ़ेंगे ठीक है क्लियर है भाई देखो अब मैनुअल कॉन्फिग्रेशन क्या होते हैं यहाँ पर एक पॉइंट समझो सपोज आपके पास ग्रामर है सपोज आपके पास ग्रामर है ई ई प्लस ई e into e और id ठीक तो है तो ये आपका फर्स्ट है ये आपका second है और ये आपका थर्ड है है ना और आपको यहाँ पर स्ट्रिंग जनरेट करनी है id plus id into id है ना तो आप क्या करोगे e से गए e plus e है ना फिर क्या करोगे यहाँ से एक id ये जनरेट कर दिया फिर यहाँ से क्या करोगे e into e यहाँ से एक id ये आ गया यहाँ से एक id ये आ गया तो क्या आ गया

हमें उसको क्या करना पड़ेगा रिमूव करवाना पड़ेगा हमें जो है एम्बी को रिमूव करना पड़ेगा ताकि जो है आपके एक से ज्यादा पार्सिंग बने ही ना ठीक है तो ये पार्सिंग आगे पढ़ने वाले हैं पूरा तो आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहला हम हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे रिमूव एम्बी ठीक है तो जो एम्बीग्एस ग्रामर आती थी उसको आप रिमूव करवाने वाले हो कैसे करवाओगे तो यहाँ पे आपके दो तरीके हैं ठीक है तो देखो ये जो है जी बिलोंग टू प्लस ई इन टू ई और आई डी तो ये जो आपकी ग्रामर है आपकी कैसी ग्रामर है एम्बीग्यूएस कैसी ग्रामर है एम्बीग्यूएस ग्रामर है ठीक है अब आपको दो तरीके पहला है आपका सेट एसोशिविटी ऑफ ऑपरेटर क्या है सेट एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर और सेकेंड है आपका सेट प्रिस ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस आप समझ पा रहे हो ना कि भाई किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है किसकी कम है अगर आपने ये दोनों अप्लाई करवा दिए तो आप बता दोगे कि जो आपकी ग्रामर है वो क्या होगी कैसे होगी अभी हम स्टेप बाई स्टेप देखेंगे ऑपरेटर तो की एसोसिएटिविटी क्या होती है कि भाई जो है लेफ्ट टू राइट जाएगा राइट टू लेफ्ट जाएगा कैसे जाएगा आप देखो आपने अभी तक बचपन से मतलब जब से आपने मैथ्स पढ़ा है बोर्ड मार्थ पढ़ा है तब से आप ये चीज तो समझ पा रहे हो ना कि भाई एसोसिएटिविटी में क्या होता है आपका प्लस है माइनस है स्टार है डिवाइड ये सब क्या होते हैं लेफ्ट टू राइट होते हैं यही पढ़ते आए हैं और जो आपका पावर का एक्सप्लेनेशन ये आपका क्या होता है राइट टू लेफ्ट होता है इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को करते हैं कि नहीं करते अब सपोज जो है मुझे सॉल्व करना है ए प्लस बी प्लस सी तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे ए प्लस बी को ठीक है ये आपका एक्स आ गया सपोज तो फिर जो है मैंने क्या किया एक्स प्लस सी को सॉल्व किया ठीक है तो मतलब पहले लेफ्ट देन राइट लेफ्ट टू राइट इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसी तरीके से करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है तो देखो एक और एग्जाम्पल देखो ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी तो देखो यहां पे देखो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे हाईअर प्रेसिडेंस किसकी है प्रेसिडेंस की बात करूं तो प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा किसकी होती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम होती है प्लस और माइनस की बाद में आती है तो यहां पे ज्यादा किसकी है इसकी तो मैं पहले किसको सॉल्व करूंगी बी इंटू सी को तो मैंने इसको एक्स मान लिया ठीक है फिर जो है आप क्या करोगे इसको और इसको करोगे ठीक है और ये सॉल्व करने के बाद आप इसको और इसको करोगे यही करोगे पहला ये फिर ये फिर ये इसी तरीके से करेंगे है ना तो आप देखो भाई अगर मैं पास्ट ही जनरेट करती हूँ तो किस तरीके से जो है आपकी एसोसिएटिविटी बिहेव करती है एग्जाम्पल से देखो तो आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा फॉर एग्जाम्पल देखो सपोज आपको यहां पे जनरेट करना है आपके पास एक ग्रामर है E इज इक्वल टू ई प्लस ई और आई डी ये है भाई ठीक है और ये आपकी कैसी है E प्लस ई आई डी है ना और आपको जनरेट करना है A प्लस बी प्लस सी तो किस तरीके से करोगे आपकी कैसी एम बी है तो सबसे पहले आपने क्या किया है e ई लिया ई प्लस ई ठीक है अब आपने इसको क्या रख दिया आईडी रख दिया आपने इसको क्या किया ए प्लस ई फिर आपने इसको आईडी रख दिया आपने इसको आईडी कर दिया ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका ए था यहाँ पे आपका बी प्लस सी था है ना जो बी प्लस सी था तो ये ए था ये बी था और ये सी था इस तरीके से ये ऐड हो गए ए प्लस बी प्लस सी तो आपके दोनों साथ में कौन से हुए ये वाले तो ये आपका कैसे हुआ यहां पे पहला पहला जो ऑपरेटर था वो कौन सा सॉल्व हुआ है हमने को जोड़ा फिर हमने a में ऐड किया समझ में आया पॉइंट हमने जो है पहले किसको ऐड किया है b प्लस सी को तो यहाँ पे जो प्लस की जो प्रेसिडेंस थी यहाँ पे जो आपकी प्लस की प्रेसिडेंस थी वो कैसी हो गई राइट लेकिन हम क्या पढ़ते आए हैं लेफ्ट तो यहाँ पे क्या कौन सी आई राइट right, है ना अब मैं एक और जो है एक और ट्री जनरेट करती हूँ इसी का क्योंकि भाई है दो भी एक से ज़्यादा बन सकते हैं तो मैंने एक और बनाया यहाँ पे मैंने लिया e प्लस +E, ई है ना अब मैंने क्या किया इसको फिर से e प्लस +E ई रख दिया ठीक है अब मैंने इसको रख दिया यहाँ पर आई और यहाँ पर मैंने आई रखा यहाँ पर मैंने आई रखा ठीक है अब देखो यहाँ पे तो ये क्या था ये आपका सी था और ये आपका क्या था ए प्लस बी तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑपरेटर सॉल्व हुआ वो कौन सा हुआ है ए प्लस बी तो मैंने पहले ये आपका ए है ये बी है और ये आपका क्या है सी है है ना तो यहाँ पे पहले किसको जोड़ा हमने ए प्लस बी को तो यहाँ पे मैंने पहले ए प्लस बी को जोड़ा तो ये आपका कैसे हो गया लेफ्ट टू राइट यानी कि यहाँ पे जो आपका प्लस ऑपरेटर था वो कैसे उसने उसने कैसे बिहेव किया लेफ्ट एसोसिएटिव और यहाँ पर कैसे किया राइट यानी कि जब एमबी ग्रामर होती है तो भाई जब आपकी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है वो भी जो है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू आपकी पास फी देखो यहाँ पे पास ऐसे था तो ये एसोसिएटिविटी राइट हो गई यहाँ पर पास्ट ही ऐसे था तो आपकी जो है एक ही ऑपरेशन ऑपरेटर के ऊपर सेम ग्रामर के ऊपर सेम स्ट्रिंग के ऊपर आपकी जो एसोसिएटिविटी है वो डिफरेंट डिफरेंट हो गई यहाँ पे राइट right, यहाँ पे राइट यहाँ पे लेफ्ट समझ में आ गया ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया देखो एक प्लस का ही साइन था प्लस का साइन यहाँ पे जो है राइट एसोसिएटिविटी बिहेव कर रहा है और यहीं पर प्लस का साइन आपका लेफ्ट एसोसिएटिविटी को बिहेव कर रहा है समझ में आ गया तो देखो सब कुछ सेम था बस हमारे जो है ग्रामर होने की वजह से जो है आपके ऑपरेटर्स ने काम किया तो अब यहां पे नोट डाल के एक पॉइंट लिखो ये हो गया सारा अच्छे से समझ में आ गया अब नोट डाल के एक पॉइंट लिखो भाई ड्यू टू एम्बिग्युटी इन ग्रामर जी द ऑपरेटर प्लस आइदर कैन फॉलो लेफ्ट एसोसिएटिविटी एंड राइट एसोसिएटिविटी समझ में आ गया कि भाई एम्बी गू टू एम्बिग्यूटी ग्रामर मतलब एम्बिग ग्रामर होने की वजह से जो आपका जी है या फिर जो आप, जो आपकी ग्रामर है उसमें जो आपका ऑपरेटर है प्लस या तो वो आपका फॉलो करेगा लेफ्ट एसोसिएटिविटी को या वो फॉलो करेगा आपकी राइट एसोसिएटिविटी को डिपेंड करेगा आपके पास ट्री के ऊपर समझ में आ गया देखो मतलब तो वैसे तो ये लेफ्ट टू राइट होता है लेकिन यहाँ पे वो दोनों राइट right को भी फॉलो कर रहा है और आपके लेफ्ट को भी फॉलो कर रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था और यही चीज जो है इसी वजह से जो है हम एम्बिग्यूटी को क्या करवाते हैं रिमूव करवाते हैं ताकि जो है ये वाली प्रॉब्लम ना आए समझ में आ गया समझ में आया आप किस तरीके से रिमूव करवाएंगे? करवाएंगे वो अब हम देखने वाले हैं ठीक है किस तरीके से रिमूव करवाएंगे वो हम देखने वाले हैं तक क्लियर है क्लियर है ए इंटू ए प्लस ए और आई डी ठीक है अब आपको क्या करना है ये जो आपका एक नॉन टर्मिनल था इसको आपको रिप्लेस करना है टी से किससे रिप्लेस करना है टी से है ना और जो है मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको टी लिखा समझ में आया समझ में आया तो आपने एक, एक और देखो इसी की इसी की ग्रामर बन गई जी डैश, बराबर है e into e plus T, T, और टी बिलोंग टू आई डी क्लियर है भाई क्लियर है इतना क्लियर है इतना क्लियर है भाई तो देखो सपोज यहाँ पे जो है आपको एक ग्रामर बनानी है सेम जो हमने पीछे देखी थी ए प्लस बी प्लस सी को जनरेट करना है, है ना तो आपने क्या किया ई e बना और ई e से जो है आपने क्या गए ई प्लस टी ऐसे ही गए ई प्लस टी गए अब देखो ई प्लस टी गए तो इस ई e से आप वापस जा सकते हो क्या गए ई प्लस टी ठीक है और टी से क्या गए आई डी और ई e से क्या गए टी और यहां से क्या गए आई डी और इस टी से क्या गए आई डी तो अब देखो क्या इसका कोई और पास बन सकता है क्या इस ट्री का क्या इस ग्रामर का कोई और इस वाली ग्रामर का क्या को, क्या और कोई पास बन सकता है अभी क्या आप कुछ और तरीके से इसको बना सकते हो क्या और पास जनरेट कर सकते हो देखो नई पास जनरेट कर पा रहे इट्स मी नहीं आपका क्या बन गया एन ग्रामर बन गई तो ये वाली जो ग्रामर थी मतलब इस वाली एम्बिगस ग्रामर से मैंने क्या ड्राइव कर दी एन एमबीजियस ग्रामर ठीक है तो इस तरीके से जो आप कर सकते हो अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो आपका क्या हो रहा है लेफ्ट वाला पार्ट ज्यादा है तो आप इसको क्या कहोगे लेफ्ट एसोसिएटिव क्या कहोगे लेफ्ट एसोसिएटिव या फिर लेफ्ट ये जो ट्री है आप इसको क्या कहोगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या फिर आप लेफ्ट एसोसिएटिव आप इसको कहोगे समझ में आ गया समझ में आ गया यहाँ पर क्लियर है भाई क्लियर है इतना क्लियर है अब यहां पे एक पॉइंट समझो अब पे एक यहां का पॉइंट समझो देखो क्या थी आपकी इस तरीके से थी ग्रामर एक सेकेंड ग्रामर थी आपकी ए बिलोंग टू प्लस ई आई डी यही था ठीक है फिर मैंने इसकी जनरेट करके इसको रिप्लेस करके क्या किया था टी ई प्लस टी टी टीज इक्वल टू आई डी यही था ठीक है अब देखो ये जो आपकी है ये आपकी क्या है e है लेफ्ट रिकर्सिव क्योंकि जो वो बार बार खुद को कॉल कर रहा है क्या कह सकते हो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या कह सकते हो लेफ्ट रिकर्स क्योंकि जो आपका e है वो लेफ्ट में है है समझ में आ गया? E क्या है? में क्या लेफ्ट तो आप इसको क्या कहोगे लेफ्ट रिकर्सिव समझ में आ गया और लेफ्ट रिकर्सिव होगी तो आपका जो है लेफ्ट एसोसिएटिव यहां पर जो है आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बनेगा एक और एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं भाई आपके पास स्ट्रिंग है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ठीक है सेम आपके पास यहां पर जी डैश है ई प्लस टी टी और टी इज इक्वल टू आई ठीक है तो बनाओ ई से गए हम ई प्लस टी ठीक है अगेन फिर हमने ई e को किया ई प्लस टी फिर अगेन हमने क्या किया ई प्लस टी तो इस टी से आपका क्या आ गया आई डी इस टी से आपका क्या आ गया आई डी इस टी से आपका क्या आ आई डी और फिर इससे हम वापस कहाँ गए टी पे और फिर यहाँ से क्या आ गया आपका आईडी ठीक है तो देखो ए बी सी डी तो ये भी आपका क्या हुआ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्योंकि यहाँ पर रिकर्जन आपका क्या था रिकर्जन आपका क्या था लेफ्ट में रिकर्जन आपका क्या है लेफ्ट में और ऐसे ही अगर मैं राइट एसोसिएटिव की बात करूं लेफ्ट एसोसिएटिव समझ में आ गया तो ये जो है ये आपका क्या है लेफ्ट एसोसिएटिव क्या है लेफ्ट एसोसिएटिव ठीक है। अगर मैं ऐसे ही राइट एसोसिएटिव की बात करूं देखो ठीक है तो ये आपकी ग्रामर है अब आप, आप, आपको क्या करना है अब पह, अब देखो लेफ्ट बनाना है तो हम इस लेफ्ट वाले को रिमूव जो है रिप्लेस करवाएंगे अब मुझे राइट right एसोसिएटिव चाहिए तो मैं इस राइट right वाले को रिमूव करवाऊंगी तो मैं जी डैश बनाऊंगी यहाँ पे टी हैश E, T और T बिलोंग टू आई डी बना दो है आपको यहाँ पर स्ट्रिंग बनानी है ए हैश ठीक है तो आप E से गए T हैश E पे फिर अगेन आप जाओगे E हैश T पे ठीक है तो देखो सॉरी यहाँ आएगा और यहाँ e यहाँ आएगा ठीक है तो यहां से आपको क्या आ गया आई डी यहां से आपका क्या आ गया आई डी और यहां से आपका टी और फिर देन आई डी तो आपका क्या बन गया ये ये आपका ए ये बी और ये सी है ना तो ये क्या है राइट right साइड <coughs> <coughs> तो ये आपकी कौन सी एसोसिएटिव हो गई राइट right. इससे पहले क्या था आपका लेफ्ट मतलब पहले हम लेफ्ट वाले को सॉल्व करते हैं यहां पे हम राइट right वाले को सॉल्व करें तो ये आपकी क्या हो जाएगी राइट एसोसिएटिव हो जाएगी तो समझ में आया लेफ्ट और राइट एसोसिएटिव और यहाँ पर जो आपका रिकर्जन होगा वो कैसा होगा रिकर्जन होगा वो कैसा होगा राइट वहां पे लेफ्ट रिकर्जन था यहाँ पे आपका राइट right रिकर्जन है ठीक है क्लियर है भाई क्लियर है अब देखो, अब देखो आपको एसोसिएटिव तो समझ में आ गई कि हम लेफ्ट सिर्फ लेफ्ट एसोसिएटिव कैसे कर सकते हैं सिर्फ राइट एसोसिएटिव कैसे कर सकते हैं अब देखो प्रेसिडेंस प्रिडेंस को हम जो है किस तरीके से सेट कर सकते हैं देखो एसोसिएटिविटी तो आपको समझ में आ गई लेकिन अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंस की क्योंकि दो तरीके हमने देखे थे दो तरीके हमने देखे थे तो जिसमें हम एसोसिएटिव तो डिस्कस कर चुके हैं लेकिन प्रेसिडेंस की बात हम अब करेंगे ठीक है तो प्रेसिडेंस देखो भाई हाउ टू तो सेट द प्रेसिडेंस किस तरीके से जो आप प्रेसिडेंस को सेट करोगे तो लेट सी किस तरीके से करेंगे भाई हाउ टू सेट प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस किस तरीके से सेट करोगे तो प्रेसिडेंस कैसे सेट करोगे भाई आपके पास अगेन ग्रामर है ई प्लस ई e इंटू e ए e, e e, और आई टी है ना तो देखो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये समझना है कि जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है उस ऑपरेटर को हम जो है लीफ में लेते हैं ठीक है समझ में आ गया देखो यहाँ पे प्रिस किसकी ज्यादा है मल्टीप्लाई की तो ये मल्टीप्लाई का जो प्रेसिडेंस जो आपका ऑपरेटर है वो कहाँ पे आएगा लीफ में आएगा कहाँ पे आएगा लीफ में इतना पॉइंट क्लियर है कि भाई जिस भी और, क्योंकि सबसे पहले हम उसको सॉल्व करवाते तो वो कहाँ पर आएगा आपके लेफ्ट में आएगा सबसे मतलब सॉरी लीफ में जो लीफ नोड होती है वहां पर जो है आपका क्या आएगा जैसा हाइयर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर क्लियर है भाई क्लियर है इतना इतना क्लियर है इतना क्लियर है भाई कोई भी डाउट है तो पूछो कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो ठीक है तो देखो अब आपके पास ये ग्रामर है पहले तो इसको जो है आपको बनाना है अनएम्बिगस ग्रामर के अंदर ठीक है ये वाली एम्बिगियस ग्रामर है आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें अनएम्बिगस ग्रामर में तो लेट्स सी करते हैं एग्जाम्पल ले लो आपके पास ग्रामर है ईकेंड ए... ध्यान से समझना भाई ठीक है कोई जल्दबाजी नहीं है ध्यान से समझो आपके पास ग्रामर है e बिलोंग कर रहा है e प्लस ई e में e इंटू e में और आई डी में ठीक है मैंने इसकी जो है मैंने इसकी ग्रामर ली आपकी एम्बीग थी मैंने इसको कन्वर्ट किया में देन आप क्या 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 करोगे e e तो आपने क्या किया e plus, यहाँ पे रखा आपने t इसकी जगह आपने क्या रखा t समझ में आया और यहाँ पे क्या रखा t और जो है फिर आपने क्या किया t इंटू एफ ये जो ये था इसको आपने क्या किया टी इंटू एफ ठीक है और एफ और ठीक ही जगह आपने क्या रखा आईडी क्लियर है भाई क्लियर है भाई ये क्लियर है मैंने इसका जो है एन एम डी ये क्रिएट कर दी है अब आपको यहाँ पे पास भी बनानी है स्ट्रिंग जनरेट करनी है आपको a plus b into c into d plus e ठीक है तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे b plus c को फिर आप जो है बी प्लस सी और डी को करोगे उसके बाद जो है आप इन दोनों को करोगे देन जो है आप लास्ट में इसको करोगे यही तरीका है ठीक है अब करना क्या है आपको किस तरीके से यानी कि जो मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेटर वो आपका कहाँ आएगा लीफ में कहां पर आएगा लीफ में देखो भाई बनाओ ए प्लस बी इंटू सी इंटू डी प्लस ई यही है तो सबसे पहले आपने लिया ई e, और ई e से हम कहाँ पे जा सकते हैं देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी डेक्वल टू प्लस टी टी ठीक है फिर टी से आप जा सकते हो टी इन एफ और टी सॉरी एफ और एफ से आप जा सकते हो आई डी ठीक है अब आपने क्या किया प्लस e टी आपने ये लिया ठीक है अब आपने देखो आप क्या कर, यहाँ इस साइड इस साइड है आपका मतलब पूरा क्या है आपका लेफ्ट है 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 ना लेफ्ट है, तो ऑब्वियसली सारा का सारा पे आएगा आएगा लेफ्ट में आएगा, तो देखो अगेन मैंने कहा e को ड्राइव किया ई प्लस टी तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया ए है ना तो फिर देखो इस ई e को आपने ड्राइव किया टी और टी से आप पे गए आई के पास अब देखो टी अब पहले आप क्या करवा रहे हो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आप क्या करोगे टी टी से आप कहा जा सकते हो टी इन टू एफ एफ के पास जा सकते हो ठीक है फिर जो है अगेन आप टी से कहा जा सकते हो टी इंटू एफ तो देखो पहले पहले जो है इसकी मल्टीप्लाई बी और सी की बी और सी की मल्टीप्लाई पे ये आपका बी है और ये आपका सी है ठीक है और C की और ये आपका डी है ठीक है ठीके? फिर जो है फिर आपने क्या किया ए को प्लस किया इसके अंदर और देन जो है यहाँ पर आप जो है ई e में एड करवा दोगे ठीक है तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व करोगे समझ में आ गया भाई समझ में आ गया ये यहाँ तक जो हमने किया है वो अच्छे से समझ में आ गया तो देखो हमने आज पढ़ा है एम ग्रामर एमबीग्यूएस ग्रामर क्या होती है और एमबीब्यूएस ग्रामर को जो है मतलब किस तरीके से आपके एमबीबीएस ग्रामर आते हैं हमने कुछ एग्जाम्पल देखे अच्छे से ठीक है चार पांच हमने क्वेश्चंस किए कि किस तरीके से आपके एमबीबीएस ग्रामर होती है फिर जो है हमने देखा रेगुलर ग्रामर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे अगर रेगुलर ग्रामर है तो आपकी जो ग्रामर है वो अनएमबीग्यूएस होगी और अगर आपकी ग्रामर है तो आप उसको किस तरीके से अनएम्बिगस में कन्वर्ट करेंगे है ना फिर जो है लेफ्ट एसोसिएटिव हमने देखा राइट right एसोसिएटिव हमने देखा ये सब देखा लेफ्ट रिकर्जन राइट रिकर्जन समझ में आ गया फिर हमने देखा कि भाई जब हम एम्बिग्रियस uh, ग्रामर को अनएम्बिगस ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं तो हमने दो पॉइंट्स देखे एक तो था आपका एसोसिएटिव uh, एसोसिएटिविटी एक हमने देखी एसोसिएटिविटी और सेकेंड हमने देखी प्रेसिडेंस यही सारी चीजें देखी यही सारी चीजें देखी भाई है ना तो आइयो अब आपको जो है इतना अभी तक जो हमने किया है उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉप डाउन पार्सिंग टॉप डाउन पार्सिंग से स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे फर्स्ट और फॉलो ताकि जो अब जब आग आग टॉप डाउन पार्सिंग में एल आर जीरो एल एल वन सी एल आर टॉप डाउन बोटन अप में जब आप ये सब पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो है मतलब आप किस तरीके से सॉल्व करोगे ठीक? ठीक है एल आर कैसे करोगे सी एल आर ठीक है एल ए एल आर इन सब पे आप किस तरीके से वर्क करेंगे तो ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो आई होप करते हैं क्लास को यहीं पर बाइंड बाय बाय टेक केयर थैंक यू